नमस्कार, मैं प्रवीण वर्मा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री, जेमस्टोन कंसल्टेंट। आज मैं आपको मंगल ग्रह की महादशा से मिलने वाले फल के विषय में बतलाऊंगा और उसके उपाय के विषय में भी जानकारी दूंगा। तो यदि किसी व्यक्ति की जन्मपत्री में मंगल ग्रह की महादशा चल रही है तो मंगल ग्रह उसे क्या क्या रिजल्ट प्रदान करता है, सबसे पहले ये जानकारी देते हैं कि मंगल ग्रह किन चीज़ों का कारक है। मंगल ग्रह जमीन, ब्लड, फ्रेंड और स्पोर्ट, सोल्जर, एथलेटिक्स, इन सब चीज़ों का, लड़ाई झगड़ा, इन सब चीज़ों का कारक माना जाता है। इसके साथ साथ जो आपके सिबलिंग्स हैं वे भी मंगल ग्रह के अंदर आते हैं, मंगल ग्रह उन्हें रिप्रेजेंट करता है। अब यदि किसी व्यक्ति की जन्मपत्री के अंदर मंगल ग्रह शुभ अवस्था में है, उच्च अवस्था में है, तो वह व्यक्ति जमीन जायदाद के माध्यम से धन प्राप्त कर सकता है, अपने भाई बहनों की उसे सपोर्ट प्राप्त होती है। वह व्यक्ति मिलिट्री, आर्मी, नेवी, किसी फोर्स में जा सकता है, सोल्जर इत्यादि की वह नौकरी प्राप्त कर सकता है, या यदि स्पोर्ट में अगर उसकी रुचि हो तो वह स्पोर्ट में अपना नेम फेम प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही अगर वह व्यक्ति जिसका मंगल स्ट्रोंग है तो वह मारा मारी जिसे कहते हैं स्पोर्ट के अंदर अगर देखा जाए तो बॉक्सिंग का जो कार्य होता है वह मारा पीटी वाला होता है, तो वह बॉक्सिंग के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति का मंगल स्ट्रोंग होता है वह व्यक्ति देखने में बॉडी बिल्डर टाइप होता है, उसे अच्छी मसल्स रखना, अच्छा ठोस शरीर रखना उसे पसंद होता है और ये मंगल ग्रह उसे प्रदान करता है। अब यदि किसी व्यक्ति का मंगल ग्रह शुभ अवस्था में है तो वह उसे इन सब चीजों की शुभता प्रदान करता है। और यदि किसी व्यक्ति का मंगल ग्रह शुभ अवस्था में नहीं है, किसी भी प्रकार से पीड़ित अवस्था में है और वह व्यक्ति जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई कार्य करता है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य करता है, तो वह देखेगा कि उसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों से हानि का सामना करना पड़ता है, किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर वह व्यक्ति प्रॉपर्टी का कार्य कर लेता है, प्रॉपर्टी डीलर का कार्य कर लेता है, तो वह व्यक्ति जीवन में परेशानियों का उसके आना जाना लगा रहता है। अगर मंगल शुभ अवस्था में ना हो तो व्यक्ति स्पोर्ट, सेना, किसी भी प्रकार की कोई सेना, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, जमीन से रिलेटेड प्रॉब्लम, सिबलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम का उसे सामना करना पड़ता है। इन सब चीज़ों से उसे किसी न किसी प्रकार से हानि प्राप्त होती रहती है। वह अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार की हानि को इन लोगों के द्वारा फेस करता रहता है। अब उपाय के लिए, यदि किसी व्यक्ति की जन्मपत्री में मंगल ग्रह शुभ अवस्था में है तो उस व्यक्तियों को मंगल ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। अगर वह व्यक्ति मंगल ग्रह की वस्तुओं का दान करता है तो मंगल ग्रह और अधिक उग्र हो जाता है, जिसकी वजह से वह अपने कार्य की एक जो सीमा होती है उसे पार कर जाता है, उस पावर से अधिक पावर उसके अंदर आने लगती है, जिसकी वजह से वह अपने कार्य को सही समय पर सही तरीके से पूर्ण नहीं कर पाता। क्या ये कहे कि बने बनाए कार्य को अत्यधिक क्रोध की वजह से वह व्यक्ति खराब कर देता है। इसलिए जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह शुभ अवस्था में है और उसे शुभ रिजल्ट प्रदान कर रहा है तो उस व्यक्ति को मंगल ग्रह का कोई भी उपाय नहीं करना चाहिए। क्योंकि मंगल ग्रह की जो महादशा है वह 7 वर्ष तक चलती है, 7 वर्ष तक जो मंगल ग्रह की महादशा चलती है उस महादशा के अंदर बाकी 9 प्लेनेट्स की भी प्रत्येक दशा चलती है, जिसके माध्यम से शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति होती है।
अब यदि किसी व्यक्ति की जन्मपत्री के अंदर मंगल ग्रह शुभ अवस्था में नहीं है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले अपनी जन्मपत्री किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखला करके उससे कंसल्टेशन लेना चाहिए, और उसके पश्चात जो उपाय मैं बता रहा हूँ इनमें से ही कोई उपाय वे एस्ट्रोलॉजर उन्हें बताएंगे, उन उपाय को करने से उस व्यक्ति को लाभ प्राप्त। जिस व्यक्ति का मंगल शुभ अवस्था में नहीं है उस व्यक्ति को सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ कर देना चाहिए। हनुमान मंदिर में जाना, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, हनुमान जी को लाल गुलाब के फूल अर्पण करना या फूलों की माला अर्पण करना, हनुमान जी को लाल दाल दान करना, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना, सुंदरकांड का पाठ करना, लाल रंग की वस्तुएं, लाल रंग का वस्त्र दान करना, तांबा और तांबे से संबंधित कोई वस्तु दान करना, इस प्रकार की वस्तुओं का दान करने से उस व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। रत्नों के माध्यम से यदि मंगल ग्रह को ठीक अवस्था में लाने के लिए, उसका शुभ रिजल्ट प्रदान करने के लिए मूंगा रत्न बताया गया है। अगर आपकी जन्मपत्री में मंगल आपको शुभ रिजल्ट नहीं दे रहा है और आपकी मंगल ग्रह की महादशा चल रही है तो आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण करा करके एक अच्छी क्वालिटी का मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। मूंगा रत्न धारण करने के लिए आपको उसकी एक्यूरेट तत्ती या कैरेट अवश्य मालूम कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर एक्यूरेट आप नहीं धारण करेंगे तो वह आपको शुभ रिजल्ट नहीं प्राप्त करेगा। और रत्न की न्यूनता या अधिकता होने के कारण वह रत्न आपको शुभ या अशुभ फलों में न्यूनता या अधिकता कर देगा। तो इसलिए जब भी आप कोई मूंगा रत्न धारण करें तो उसकी एक्यूरेट रत्ती के अनुसार ही उसे धारण करें। अब जो व्यक्ति मूंगा रत्न धारण नहीं कर सकते हैं वे लाल रंग का हकीक एक पत्थर आता है उस रत्न को धारण करके मंगल ग्रह की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और मंगल ग्रह से मिलने वाले शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था मंगल ग्रह की महादशा में मिलने वाले शुभ अशुभ फलों के विषय में और उसके साथ साथ कुछ उपाय जो मैंने आज आपको बताए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को हिट करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।